खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को देखें तो पता चलता है मध्य प्रदेश में सिस्टम किस तरह बिगड़ गया है। कमलनाथ सरकार में हर जगह सफाई व्यवस्था चौपट हो गई है, मंत्री को कभी नाले में तो कभी सड़क पर तो कभी टॉयलेट साफ करने पड़ रहे हैं। इस सिस्टम की लापरवाही कहें या फिर मंत्री का जुनून, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को एक बार फिर टॉयलेट साफ करना पड़ा। पिछले कुछ दिनों से अलग अलग जगह सफाई व्यवस्था इस कदर बिगड़ गई है कि मंत्री तोमर को जगह जगह सफाई करना पड़ रही है। जब सिस्टम खराब हो जाता है और चीजें हाथ से खिसकने लगती हैं तो ऐसे नजारे आम हो जाते हैं। प्रद्युमन सिंह तोमर एक कॉलेज में पहुंचे थे जहां टॉयलेट गंदा देखा तो सफाई करने लगे। सफाई करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि स्कूल कॉलेज में सफाई कर्मचारी नहीं है जो मंत्री जी को यह सब करना पड़ रहा है। मंत्री तोमर के सफाई अभियान को देखें तो दो ही बातें सामने आती हैं। एक तो कमलनाथ सरकार में प्रदेश में साफ सफाई के सिस्टम का फट्टा बैठ गया है, या फिर मंत्री जी के सर सफाई का भूत कुछ ज्यादा ही सवार हो गया है। आज भी तोमर खेड़ापति कॉलोनी स्थित एक शासकीय इंजीनियरिंग कॉलेज पहुंचे थे जहां तोमर को टॉयलेट गंदा दिखा तो वो सफाई करने में लग गए। तोमर के इस सफाई कार्यक्रम के बाद कमलनाथ सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठना शुरू हो गया है। सवाल ये भी है कि क्या एक मंत्री इतना फुर्सतिया है, उसके पास इतना समय है कि वे हर कहीं नाले और टॉयलेट साफ करता फिरे? क्या मंत्री के पास कोई और महत्वपूर्ण काम नहीं है? संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।